इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन इन फाइलम आर्थ्रोपोडा अब बात हम एक्सोस्केलेटन की कर रहे थे आर्थरोपोडस की कर रहे थे तो इसके एनिमल्स को क्या क्या एडवांटेज होंगे सबसे बड़ा एडवाटेज जो आर्थ्रोपोड को एक्सोस्केलेटन की वजह से है वो ये है कि इसके अंदर स्ट्रॉग आउटर लेर है और वह जो स्ट्रांग आउटर लेर है दैट एक्ट सेज़ अ आर्मर द एक शीट की तरह से बिहेव करता है अगेंस्ट प्रीडेटर्स के जो कि इसको अटैक करने के लिए आएंगे उसके लिए ये एक्सोस्केलेटन जो है ये बतौर शीट काम करेगा ना सिर्फ ये प्रीडेटर्स के लिए एक बतौर शील्ड काम करेगा बल्कि जो मुख्तलिफ किस्म के एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं उनके लिए भी ये एक शीट के तौर पर काम करेगा ये इट आल्सो सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव वाटर बैरियर एंड इट इम्पार्ट्स एडवांटेज टू स्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी ये एनिमल के एक स्ट्रक्चर की भी एडवांसमेंट हो जाती है एनिमल की मोबिलिटी में भी हेल्प करता है एंडोस्केलेटन की तरह एक्सोस्केलेटन जो है दिस एड्स इन स्ट्रक्चरल एज वेल एज इट गिवस स्पोर्ट टू द एनिमल बॉडी अगर हम एक्सोस्केलेटन को देखें दिस एन केसिस

तो ये बॉडी को एक लिवरेज की शेप दे देते हैं जिस तरह से एक कश्ती का चप्पू एक लिवर मूव करता जाता है और बोट मूव करती जाती है इसी तरह से ये इसकी लिवरेज में जो इसकी लेग्स हैं या अपेडिज हैं वो बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते जाएंगे और एनिमल जो है उसकी रैपिड मूवमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू दोज एनिमल्स जिनके अंदर ये लिवरेज टाइप स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है ग्रास हाफर जो है वो इसकी एक्सीलेंट एग्जाम्पल इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है क्योंकि हमने कहा कि एक्सोस्केलेटन है यूटीगल से मिलकर बना होगा इस वैक्स से मिलकर बना होगा जो कि वाटर से इम्परवियस है अब जब ये वाटर से इम्परवियस है तो एक्सोस्केलेटन जो है मुख्तलिफ स्पीशीज़ को ड्राइंग से भी प्रिवेंट करेगा अब दिस इज़ क्रूशल बिकॉज जब वाटर बॉडी के अंदर मौजूद होगा ड्राइंग का प्रोसेस नहीं होगा उसके मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं दे विल आल्सो बी परफॉर्म्ड इन अ बेटर वे इसके अलावा एक्सोस्केलेटन जो है इसके अंदर जो एनवायरनमेंट में लाइक बहुत से एनिमल्स जो हैं वो वाटर में रह रहे हैं जहाँ पर उसके सॉल्ट या सेलिनिटी बहुत ज़्यादा है वो सेलिनिटी स्किन को या स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर सकती है लेकिन एक्सोस्केलेटन जो है वो जो भी एटमॉस्फेयर के हैजर्ड्स है, उससे बॉडी को बचा के रखता है फिर कुछ एक्सोस्केलेटन जो है वो डेंस हैं हार्ड हैं शेल लाइक है कैम्स हैं अब इंसेक्ट्स क्या एक्सोस्केलेटन की एक और अहम खूबी ये है कि ये जो हैं लाइट वेट है लाइट वेट है तो एनिमल्स को फास्ट मूविंग में क्रीपिंग में फ्लाइंग में ये हेल्प करेंगे और इसकी वजह से बहुत से एनिमल्स जो हैं वो भी फ्लाई कर सकते हैं अब चूंकि ये नॉन लिविंग है एक्सोस्केलेटन डज नॉट ग्रो विद एन एनिमल देरफोर एक्सोस्केलेटन जो है पीरियडिकली जब भी एनिमल की ग्रोथ होगी ये आहिस्ता आहिस्ता शेड ऑफ होंगे अब इस शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन का एक इम्पॉर्टेंट फिनना है जिसको हम कहेंगे मोल्टिंग और मोल्टिंग जो है वो उस वक्त टेक्स प्लेस होता है जब एनिमल ने ग्रो करना होता है और जो न्यू एक्सोस्केलेटन बनता है दिस इज़ नॉर्मली फॉर्म फ्रॉम द एपिडर्मल सिक्रेशंस ये प्रोसेस जो है कंज्यूम करता है मेटाबॉलिक रिसोर्स को और जब तक एन पूरा नया स्केलेटन नहीं बन जाता एनिमल जो है उसके अनअवॉइडेबल सर्कस सरकमस्टेंसेज हैं दैट कैन बी ईजीली एक्सपोज टू द प्रीडेटर्स आल्सो यहाँ पर आप देखें एडवाटेज़ ऑफ एक्सोस्केलेटन दो फाइलम इम्पोर्टेंट जो हैं फाइलम मुलस्का और फाइलम आर्थरोपोर्ड्स को कम्पेयर किया गया है यहाँ पर आप स्नेल मुलस्क स्कीलोप मुलस्क इसका एक्सोस्केलेटन जो कि मुलस्का के अंदर है दैट इज़ कम्पोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मुलस्का में इसको हम कहेंगे कि ये जो है शेल है इसका ये इसका शेल है ये इसका शेल है लेकिन आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन चूँकि काइटन से मिलकर बना होगा अब जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स है ईयरविग, बीटल स्पाइडर श्रिम्प इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो उतना हैवी नहीं है जितना के मुलस्का में है अब ये मुलस्का के एनिमल्स इस हैवी एक्सोस्केलेटन की वजह से स्लो मूविंग है ये इतने एक्टिव एनिमल्स नहीं है लेकिन हमने देखा कि एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोर्स में लाइट वेट है क्यूटिकल इसका इम्परवियस है वाटर से ये लाइट वेट एनिमल्स हैं इनकी मूवमेंट बहुत क्विक है फ्रीक्वेंट है दे आर यूजुअली फ्री मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दिस इज़ हैविंग एडवांटेज एज़ कम्पेयर टू दोर्स ऑफ द एक्सोस्केलेटन दैट इज़ प्रेजेंट इन फाइलम मुलस्का